हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनमोल प्रकृति। मैं संध्या आज आप सबको एरिका पाम के बारे में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, पाम की बात करें तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, बट एरिका पाम को ज़्यादातर लोग लाइक करते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा प्लांट है जो कि आपके घर को एयर प्योरीफाई करता है और आपके घर के हार्मफुल गैस को रिड्यूस करता है। तो अब तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो इसका एक प्लांट ज़रूर लगाइए। ये पौधा बहुत अच्छा है जो कि आपके घर के पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट ज़्यादातर लोग लगाते तो है बट इसकी प्लेसिंग नहीं सही कर पाते हैं, जिसके कारण ये प्लांट आपका ख़राब हो जाता है। इस वीडियो में आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों हमारा पाम जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। आप जब भी एरिका पाम नर्सरी से बाई कीजिए तो एक अच्छे कंडीशंस में बाई कीजिए। एक मैच्योर प्लांट एकदम हेल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत छोटा प्लांट लेंगे। एरिका पाम वैसे तो बहुत हार्डली प्लांट है बट इसकी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है तो ये आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव प्लांट साबित हो सकता है। इसलिए आप जब भी एरिका पाम लाते हैं तो थोड़ा बड़ा लीजिए, बहुत छोटे साइज का प्लांट मत लीजिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, बात करें तो इन्हें आप ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहाँ पे इन्हें मॉर्निंग की 2 घंटे की सनलाइट मिल जाए या फिर इवनिंग की 2 घंटे की सनलाइट मिल जाए, या ऐसा एरिया ही सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे इन्हें ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, तो वहाँ पे इन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। यदि आप इसे प्रॉपर शेड में रख देंगे या फिर बिल्कुल डार्क एरिया में रख देंगे तो ये प्लांट जल्दी ख़राब होने लगते हैं। देखेंगे इनके टिप्स ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, या फिर इन्हें एकदम डायरेक्ट सनलाइट देंगे तब भी इनके प्लांट्स सूखने लगते हैं। देखेंगे इनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इनके पॉट की। तो आप जब भी इनके पॉट को सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग इनके पॉट को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप इन्हें डार्क एरिया में रख रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आ रही है तो आप इसे मिट्टी के पॉट में लगाइएगा, क्योंकि हम लोग पानी का लेवल मेंटेन नहीं कर पाते हैं जिसके कारण हमारा प्लांट सूखने लगता है। मिट्टी के पॉट में पानी का लेवल मेंटेन रहता है। और यदि आप इसे ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट में लगा रहे हैं जहाँ पे अच्छी सनलाइट इन्हें मिल जा रही है तो आप इन्हें प्लास्टिक के पॉट में लगाइए। प्लास्टिक के पॉट में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, बट यदि आप इन्हें सनलाइट नहीं दे पा रहे हैं तो आप इन्हें मिट्टी के ही पॉट में लगाइएगा तो आपके प्लांट ज़्यादा अच्छे चलेंगे। चलिए बात करते हैं इनके पॉटिंग मिक्स की। तो इनके पॉटिंग मिक्स में हमें 70-80% गार्डन सॉइल लेना है, 20-30% बर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इनमें फर्टिलाइज़र की। तो इनमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लांट वैसे ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। सिर्फ इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यदि आप उसे इतना देते हो तो उनकी ग्रोथ वैसे ही बहुत अच्छी होगी। बट इसमें आप 6 मंथ में एक बार कोई भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए जो कि स्लो रिलीजियस हो। ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं देना है क्योंकि बहुत क्विक रिजल्ट देने वाला होता है। यूरिया इस टाइप का कोई भी आपको फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालना है, आप इसमें स्लो रिलीजियस फर्टिलाइज़र डालिए, जैसे कि आप नीम का खली या फिर NPK इसमें दे सकते हैं। ये काफ़ी स्लो रिलीजियस होता है जो कि आपके प्लांट के लिए बेटर है। ये बहुत धीरे धीरे कार्य करता है और आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। आप फास्ट ग्रोइंग फर्टिलाइज़र डालेंगे तो इनके सूखने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव प्लांट है तो ये बहुत ज़्यादा हीट को अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है और इसके प्लांट तब सूखने लगते हैं। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र का काम ये होता है कि वो प्लांट में हीट जनरेट करते हैं जो कि आपके प्लांट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो आप ऐसे ही फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए जो कि बहुत धीरे धीरे वर्क करे और इनकी ग्रोथ के लिए इनमें मदद करे। चलिए बात करते हैं हम इनकी ह्यूमिडिटी लेवल की। तो इन्हें 40-50% ह्यूमिडिटी में रहना पसंद है, तो आप ऐसा ही एरिया सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर इन्हें अच्छी ह्यूमिडिटी मिल पाए। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इनमें डिजीज़ की।
तो इसमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं होते हैं, बट इन्हें आप यदि डार्क एरिया में या फिर पैक एरिया में रखते हैं तो इसमें स्पाइडर माइट्स या फिर मिली बग्स लगते हैं। इनके मिली बग्स देखेंगे वाइट वाइट स्पॉट जैसे, या फिर पूरे पत्ते में, पूरे प्लांट में ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाता है, इस टाइप से हो जाते हैं। स्पाइडर माइट्स की बात करें तो ये पूरे पौधे में झाले होने लगते हैं, उसमें छोटी छोटी मकड़ियाँ होने लगती हैं। तो इन सब के लिए आप इसमें फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फंगीसाइड ले लीजिए या फिर आप इसमें नीम ऑयल यूज़ कीजिए, कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी होममेड फंगीसाइड मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इस प्लांट की आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप होममेड फर्टिलाइज़र या फिर होममेड फंगीसाइड यूज़ करते हैं तो ये प्लांट निश्चित है कि आपका ख़राब हो जाएगा। यदि आपका एक्सपीरियंस है तो आप इन्हें संभाल लेंगे, बट यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए आप जब भी इसमें यूज़ कीजिए, नीम ऑयल का यूज़ कीजिए, स्प्रे कीजिए, इनके जो भी डिजीज़ होंगी सब खत्म हो जाती हैं। और जब भी आप इस प्लांट पे पानी देते हैं तो आप स्प्रे कीजिए, जिससे कि इनके ऊपर जो डस्ट होते हैं वो सारे हट जाते हैं, तो इनमें बहुत कम चांस होता है कि इनमें कोई भी डिजीज़ होती है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इनकी वाटरिंग की। तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है, ना ही आपको इसमें ओवर वाटरिंग करना है, ना ही इसमें अंडर वाटरिंग करना है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तब भी ये प्लांट सूखने लगता है, इसके टिप्स ब्राउन होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा कम पानी देंगे तब भी इनके देखेंगे पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, इनमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। करते हैं इनके पॉट की साइज़ की। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को आप जब भी लगाएं तो थोड़े बड़े पॉट में लगाएं, ताकि इन्हें जल्दी जल्दी रिपोर्ट नहीं करना पड़े। यदि आप इसे जल्दी जल्दी रिपोर्ट करेंगे तो ये प्लांट जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इन्हें काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद ही चेंज कीजिए। फ्रेंड्स, जब तक इसमें रूट बॉन्डिंग ना हो तब तक आप इसे मत चेंज कीजिए। इनमें फ्रेंड्स आप कभी कभी देखेंगे तो नीचे से छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ निकलने लगती हैं, तो आप उन्हें कट कर देंगे, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं, जिससे कि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप इस टाइप के जो भी पत्तियाँ छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी निकलती हैं नीचे से, उन्हें आप कट कर दीजिए। फ्रेंड्स, एरिका पाम या फिर कोई भी पाम इंडोर प्लांट में आते हैं, तो गर्मियों के दिनों में ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण ये प्लांट सॉक में चले जाते हैं। तो उस टाइम में आप इनमें अच्छी ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए बीच बीच में स्प्रे करते रहिए, इसके ऊपर स्प्रिंकल वाटर दीजिए, जिससे कि इन प्लांट्स में अच्छी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो ये प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं, गर्मियों में ज़्यादातर लोगों के प्लांट ख़राब होते हैं, तो इन बात का आप ध्यान रखेंगे। सो फ्रेंड्स, लगभग सारे टॉपिक्स इन वीडियो में क्लियर हो चुकी है, बट अब भी आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। फ्रेंड्स, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप सभी तक जाती रहेगी।